हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षा मित्रों की मांगों पर नहीं बनी सहमति, सरकार केवल 1,000 रुपये मानदेय बढ़ाने को तैयार। मानव संपदा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने पर ही मिलेगा वेतन। शिक्षकों को सम्मान के साथ, मेधावियों को टैबलेट का इंतजार। महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए सीएम को किया ईमेल। प्रसिद्धि बच्चों के अनोखे खेल, टायर रेस तो कोई बोरी उठाकर दौड़ा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देगी कांग्रेस। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ बीएसए ने मनाई दीपावली। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ, शिक्षा मित्रों का मानदेय अधिकतम 1,000 रुपये तक बढ़ाने पर बात हुई, लेकिन नियमित करने समेत अन्य मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह के साथ सोमवार को हुई बैठक में शिक्षा मित्रों के संगठनों ने मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवकों की तर्ज पर कम से कम 4,000 रुपये मानदेय बढ़ाने की मांग की। उन्होंने शिक्षा मित्रों को किसी भी तरह स्थायी करने, उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, आकस्मिक अवकाश बढ़ाने और सहायक अध्यापकों की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग की। सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए बजट प्रावधान किया है, उसी के अनुसार बढ़ाया जाएगा। 2017 में मानदेय 3,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया था। नियमित करने के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को हो, वहीं अन्य मांगों पर विचार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों से किया वादा पूरा नहीं करना चाहती है, मानदेय भी अधिकतम 1,000 रुपये बढ़ाना चाहती है। इस दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल और संयुक्त निदेशक गणेश कुमार मौजूद थे। मानव संपदा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने पर ही मिलेगा वेतन। लखनऊ, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में सितंबर 2019 से मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों और शिक्षकों के हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक व बीएड के मार्कशीट और बीएड व बीटीसी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, मगर बड़ी संख्या में शिक्षकों व कर्मचारियों ने अब तक ये दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। महानिदेशालय के अपर परियोजना निदेशक मोहित तिवारी के अनुसार बार बार निर्देश देने के बावजूद शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से दस्तावेज अपलोड नहीं करने से उनके आचरण पर संदेह उत्पन्न होता है। उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि दस्तावेज अपलोड नहीं करने वालों को अंतिम अवसर देते हुए उन्हीं शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन भुगतान कराया जाए जिन्होंने दस्तावेज अपलोड किए हैं। शिक्षकों को सम्मान के साथ मेधावियों को टैबलेट का इंतजार। लखनऊ, शैक्षिक सत्र 2020 में राज अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को एक वर्ष बाद भी पुरस्कार नहीं मिले हैं। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के मेधावियों को भी टैबलेट का इंतजार है। शैक्षिक सत्र 2019-20 में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 73 प्रसिद्ध शिक्षकों को राज अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। शिक्षकों को पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र, 2 वर्ष सेवा विस्तार का प्रमाण पत्र दिया जाता है। गत वर्ष कोरोना संकट के चलते शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया जा सका, वहीं इस वर्ष जिला स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित किए गए। करीब 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को पुरस्कार नहीं मिला है। प्रशस्ति पत्र, सेवा विस्तार प्रमाण पत्र नहीं मिलने से शिक्षकों को परेशानी हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि सेवा विस्तार नहीं मिलने से संबंधित शिक्षक भी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उधर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा 2020 की 1500 से अधिक मेधावियों को सम्मानित किया जाना था। गत वर्ष मेधावी सम्मान समारोह भी कोविड के चलते आयोजित नहीं हो सका है। विभाग ने करीब 1500 से अधिक टैबलेट खरीदकर निदेशालय स्थित गोदाम में रखे हैं, लेकिन मेधावियों को अभी तक प्रमाण पत्र, पुरस्कार राशि और टैबलेट का इंतजार है। विभाग अब तक तय नहीं कर सका कि मेधावियों को जिला स्तर पर टैबलेट वितरित कराए जाएं या प्रदेश स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित कराया जाए। लखनऊ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईमेल भेजकर 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मेल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने के आदेश की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मियों को 28% के स्थान पर 31% महंगाई भत्ते का भुगतान हो रहा है। अभी तक प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़े महंगाई भत्ता देने के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश में महंगाई भत्ता देने की पत्रावली उच्च स्तर पर विचाराधीन है, इसलिए जल्द जुलाई से बढ़े हुए 3% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का भुगतान तत्काल किया जाए। प्रसिद्धि बच्चों की गांव में अनोखे खेल, टायर रेस तो कोई बोरी उठाकर दौड़ा। लखनऊ, बक्सी का तालाब के भौली गांव में सोमवार को अनोखा आयोजन हुआ। महिलाओं ने भैंस धोने में अपना दमखम दिखाया तो वहीं पुरुष 50 किलो की बोरी लेकर दौड़े। बच्चे साइकिल का टायर लेकर एक दूसरे को पछाड़ते दिखे तो कुछ लोग छत पर ईंट लेकर चढ़े उतरने में एक दूसरे को पछाड़ते दिखे। यूपी नान ओलंपिक एसोसिएशन ने ग्रामीण खेलों का आयोजन किया, जिसमें प्रचलित खेलों से हटकर गाँव में रोजाना होने वाले कामकाज को ही प्रतिस्पर्धा में शामिल किया। महिलाओं के बीच भैंस धोने की प्रतियोगिता हुई, इसी तरह पुरुषों को 50 किलो गेहूं की बोरी लादकर दौड़ना था।
वहीं बच्चों को गांव में प्रचलित साइकिल टायर और रिम दौड़ में शामिल होने का मौका दिया गया। इसके अलावा गुल्ली डंडा सहित कई दूसरे खेलों को भी शामिल किया गया। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप देसी घी, मुरब्बा, अचार, टिफिन और सहज जैसी चीज़ें दी गईं। सचिव ए के सक्सेना का कहना था कि आयोजन का मकसद ग्रामीणों को खेलों और व्यायाम के महत्व के प्रति जागरूक करना था। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को पार्टी की ओर से 40% टिकट देने का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता में आने पर महिलाओं को सरकारी पदों में भी 40% आरक्षण देगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र तैयार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने इसको समझते हुए आपके लिए अलग से महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ बीएसए ने मनाई दीपावली। गोरखपुर टिकरिया रोड भररोया विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय विस्टौली परिसर में प्रधानाध्यापिका संगीता भारस्कर द्वारा दीपोत्सव वृक्षारोपण एवं सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह एवं खंड शिक्षा अधिकारी आनंद मिश्र ने बच्चों के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होकर दीपावली मनाई। सहायक अध्यापक प्रिंस कुमार, शगुप्ता, अनवर आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।